हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमें यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसकी एक केवल एक साइड गिवन है जो कि ए बी है और वो 7 के बराबर है। अब एक जनरल क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सभी को, क्या ऐसा सभी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक साइड गिवन है तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं? तो ये मैं इसका आंसर बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए वैलिड नहीं है, पर एंड में मैं आपको एक रीजन बताऊंगा कि क्यों हम इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो फाइंड कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब पेरीमीटर फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब मैं ऐसा इसको ऐसा इस तरह से बोलूंगा कि हम एक ऐसा केस बता पा रहे हैं जिसमें हम उसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे, मतलब इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमें ए बी जो है वो 7 गिवन है। बी एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे मैं बी मान लेता हूं, ए एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे मैं ए मान लेता हूँ। और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, बी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर के, और इसे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, ये हम लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। देखिए वीडियो पूरा देखिए आप, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो ऐसा है कि आगे भी आपको कहीं दूसरी जगह यूज में आ सकती है। ठीक है, तो स्किप करने की कोशिश ना करें, पूरा समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि अरे यार वो मेरा छूट गया था, वो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो आज ये क्वेश्चन मेरे से हो जाता। ठीक है, तो स्किप करने की कोशिश ना करें, पूरा प्रॉब्लम समझे। हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख दिया बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और 49 को मैंने लिख दिया 49 इंटू 1। अब यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी हुई है, जैसे 49 लिखी हुई है, तो उसको हम क्या क्या फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं? तो 49 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 7, बस, और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 49 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 7, इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। अब राइट हैंड साइड में हम देखें यहां पर, तो यहां पर क्या है, बी माइनस ए है, बी प्लस ए है, मतलब कि एक टर्म हमेशा बड़ी आएगी और दूसरी टर्म हमेशा छोटी आएगी। अगर हम 49 को 7 इंटू 7 लिखेंगे तो ये तो बराबर हो गया, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो गया, जो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसलिए मुझे यहां पर इसको 49 इंटू 1 लिखना पड़ा, ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 7 इंटू 7 में लिख नहीं सकता, तो मेरे पास केवल एक ही फैक्टर बचा है, मैं उसको 49 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू ये इसी फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अब यहां पर मैं बड़ी और छोटी वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब कि जो ए प्लस बी है वो बराबर हो जाएगी 49 के, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और बी माइनस ए ये हो जाएगी बराबर 1 के, क्योंकि ये जो है छोटी वैल्यू है। अब इसे हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, 2b ये बराबर हो जाएगा 50 के, b की वैल्यू पता पड़ गई आ गई है 25, b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 24 के बराबर, मतलब b आ गया 25 के बराबर, a आ गया है 24 के बराबर। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 25 प्लस 24, और हम इसे ऐड कर दें, 49 ये होगा, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा,
56 के बराबर। सो पेरीमीटर आ गया 56 यूनिट्स। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, क्या सभी जो राइट एंगल ट्राइंगल्स है उसके लिए ये वैलिड होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कंडीशन में बता देता हूं, अब मैं बताता हूं, अगर आपको जो साइड गिवन है वो एक प्राइम नंबर के फॉर्म में है तभी आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। प्राइम नंबर है तो केवल एक यही केस रहेगा। अब ये एबी की वैल्यू चाहे 7 रहे, 11 रहे, 13 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, आप सभी केस में जो है उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बस शर्त यह रहेगी कि जो भी साइड आपको गिवन है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।